नमस्कार, जय माता की। आप सभी का स्वागत है माँ दुर्गा रेकी एंड लामा फेरा हीलिंग सेंटर चंडीगढ़ में। हम आपके सामने वीडियो सेंड करते हैं, बना के सेंड करते हैं अपने हिसाब से, ताकि आपको रेकी के बारे में या किसी और अल्टरनेटिव मेडिसिन के बारे में सही रूप से पता लग सके, सही तरीके से गाइडेंस मिल सके। कई बार कॉल आते हैं, जैसे आज कॉल आया था किसी का, कोई कस्टमर हरियाणा से था, पता नहीं कहाँ से था, कि थर्ड आई के ऊपर रिसर्च कर रहा है। देखिए, थर्ड आई का मतलब होता है कि जो ये हमारा ये सिस्टम होता है यहाँ पे, इसको एक्टिव करना। एक्टिव मतलब चार्ज करना। ये भगवान शिव तो कोई है नहीं कि जिसका थर्ड आई यहाँ से ओपन हो जाएगी। जो ये बोलती हैं ऐसा पॉसिबल, थर्ड आई का मतलब ये ओपन होना, ये एक्टिवेट होने का मतलब है कि आपके जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है या दिमाग माइंड इधर उधर घूमता है, सोचते सोचते कुछ हो, फिर थोड़ी देर बाद कुछ और दिमाग में आता है, नींद नहीं आती है, सर में दर्द रहता है, और आपका जो ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में लगा लो, किसी चीज़ में एक तरफा ध्यान नहीं लगता। सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं, दूसरे के बारे में थोड़ा देख के, चेहरा पढ़ के, उसका उसके बारे में एडवांस में नॉलेज हो जाना है किसी दिमाग में क्या चल रहा है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो थर्ड आई मतलब ये चक्रा जो होता है ये एक्टिव हो जाता, चार्ज हो जाता है, तो उससे इस चीज़ पे मेडिकली और फिजिकली प्रभाव पड़ता है। जो थर्ड आई ओपन या कुंडली की बात करते हैं, कुंडलिनी की बात करते हैं, उसको ओपन करने के लिए, कुंडलिनी जागृत करने के लिए बहुत टाइम लगता है। उसमें एक साधना की जरूरत होती है और एकांत में बैठ के साधना होती है। उससे संसारिक जीवन में मोह माया से उसे कुछ लेना देना नहीं होता। अगर कुंडलियां एकदम से, कोई कहता है मैं कुंडली जागृत कर देते हैं, कुंडली जागरण शक्ति है हमारे पास, तो इतनी कुंडलियां जागृत अगर कोई कर सकता तो जो ये बोलता है तो संसार में इस पृथ्वी पे कुछ भी कर सकता था। तो ये मेडिकली जो होती है सिस्टम होता है, अगर स्पिरिचुअली आप अच्छे तरीके से मेडिटेशन करेंगे और अलग रास्ते पे जाके, एकांत में जाके उस चीज को करेंगे एक्टिव करने के लिए, तो एक्टिव हो जाती है। तो एक आज हम आपको सामने आपके सामने एक चीज बता रहे हैं कि जो रेकी होती है, रेकी में हम लोग रेकी हीलिंग तो करते ही हैं प्रत्येक डिजीज पे, बीमारी पे, चाहे डिप्रेशन की हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, बीपी कम ज़्यादा, जॉइंट पेन, गर्दन में पेन, बैक पेन, ठीक है, सर्वाइकल, माइग्रेन, एंजाइटी, हार्ट प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें हीलिंग हम सेट करते हैं। उस हीलिंग का प्रभाव क्या होता है कि अगर आप मेडिकल खा रहे हो, मेडिकली तौर पे मेडिसिन खा रहे हो, तो मेडिकली भी आप अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो डॉक्टर के थ्रू, तो जो हम हीलिंग सेंड करते हैं तो दवाइयाँ जो मेडिसिन आप लेते हो वो वर्क करना शुरू कर देती हैं 100%। हम दवाई किसी की मेडिसिन बंद नहीं करते कि हीलिंग के दौरान हम किसी को बोल देते हैं कि आप मेडिसिन छोड़ दो, नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। जब आपको हीलिंग से आपकी जो स्ट्रेस, आपका जो बीमारी कम होने लगती है, तो अपने आप आपकी दवाइयाँ कम होते होते बंद हो जाएंगी। एक हम करते हैं साइकिक सर्जरी। बेसिकली साइकिक सर्जरी एक प्रोसेस है, उसमें थोड़ा घंटा, आधा घंटा और कई सीटिंग लग जाती हैं। साइकिक सर्जरी जो होती है वो मोस्टली जो रेकी ग्रैंड मास्टर करते हैं, जिनको अच्छा एक्सपीरियंस होता है, ब्रेस्ट कैंसर की साइकिक सर्जरी, रसौली जो होती है उसकी साइकिक सर्जरी होती है, पथरी की साइकिक सर्जरी होती है। सर्जरी का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को ऐसे लिटाया जाता है और हमें सिंबल के साथ, मेडिटेशन के साथ, एनर्जी के साथ फील करना होता है कि जो पेशेंट है वो ऑपरेशन थिएटर में लेटा हुआ है, और उसके चारों तरफ हमें एक एनर्जी क्रिएट करनी होती है, स्पिरिचुअल एनर्जी जिसको बोलते हैं अल्टरनेट मेडिसिन। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से हम ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर, उसी प्रकार से हम विजुलाइज करके
विजुलाइज करेंगे उस चीज को साइकिक सर्जरी में, कि जिस चीज का भी हम साइकिक सर्जरी कर रहे हैं उसका ऑपरेशन कर रहे हैं उसी प्रकार विजुलाइज करेंगे। उसके बाद सिंबल लगा के उस चीज को, चाहे वो रसौली हो या पथरी हो या कुछ और चीज हो, उसको रिमूव, ऐसे ही रिमूव करेंगे। मत कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर जो होते हैं मेडिकल तौर पे कट चीरा लगाते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और जो ये अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी है, जो रेकी थेरेपी है, इसमें विजुलाइज करते हैं ओनली कि यहाँ पे हमने कट लगा दिया है, इस जगह पे ये चीज है और हम इसको निकाल रहे हैं। उसी प्रकार विजुलाइज करके हम स्टिचेस भी लगते हैं, और पूरी प्रक्रिया जैसे एक ऑपरेशन होता है उसी प्रकार से साइकिक सर्जरी की जाती है। पेशेंट को उसी प्रकार से महसूस भी होता कुछ निकल रहा है। बहुत जगह साइकिक सर्जरी लोग करवाने जाते हैं, चाहे रसोली की हो, पथरी की हो, ब्रिस्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ और भी सिस्टम हो, तो हम भी करते हैं साइकिक सर्जरी। प्रॉपर वे में जाके पेशेंट को लेटाया जाता है, उसका ओरा क्लीन किया जाता है, उसके चक्रा क्लीन किए जाते हैं, उसका पार्ट क्लीन किया जाता है जिस पार्ट को हमें सर्जरी करनी है, मतलब साइकिक सर्जरी करनी है। साइकिक सर्जरी का मतलब ये नहीं कि हम छुरा लेके उसको काटेंगे, हम विजुलाइज करके अपने जो सिंबल होते हैं उनको एक्टिवेट करके हम विजुलाइज करते हैं कि हमारे फिंगर जो हैं वो ही सब कुछ है, और उसी प्रकार विजुलाइज करके हम कट मारते हैं, मतलब विजुलाइजेशन कट बोलते हैं जिसको, और उसी प्रकार महसूस करते हैं कट लग चुका है। साइकिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन करते इसी प्रकार से प्रॉपर तरीके से वो विजुलाइज करके ऐसे ही होता है, तो ये सक्सेस भी होती है। कई जगह लोग दिन में 40-40 साइकिक सर्जरी कर देते हैं। तो अलग अलग थ्योरी होती है सभी करने की। तो ये जो रेकी हीलिंग है बीमारी के लिए और किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए सबसे बेस्ट है। इसको रिलेशनशिप सुधारने के लिए भी यूज करते हैं, नेगेटिविटी रिमूव करने के लिए भी यूज करते हैं, अपना ओरा बढ़ाने के लिए, अपने चक्रा ओपन करने के लिए, चक्रा एक्टिवेट करने के लिए भी हम रेकी का हीलिंग का यूज करते हैं। अगर आप फर्स्ट सेकंड डिग्री कोर्स कर लेते हो तो आपको 3 सिंबल मिल जाते हैं जिसमें आप अपने आप को चार्ज, प्यूरिफाई और बैलेंस कर सकते हो। अगर थर्ड डिग्री कोर्स कर लेते हो तो आपको हाई लेवल एक पावरफुल सिंबल मिल जाता है, उसके जरिए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कम्प्लीटली, अपने परिवार को या अपने रिश्तेदार नियर डियर को प्रोटेक्ट कर सकते हो। इसमें मेडिटेशन करना जरूरी होता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आम लोग नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि शायद ये एक फ्रॉड है, बहम है, ऐसा नहीं होता, लेकिन मिरेकल होते हैं। जिसकी एनर्जी है रेकी उसी की एनर्जी है ब्रह्मांड की, तो मिरेकल होते हैं। जो चीज़ कई बार मेडिसिन लेके ठीक नहीं हो पाती वो रेकी एनर्जी से ठीक हो जाती है। तो वैसे तो प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं, साइकिक सर्जरी दिखा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। तो जिसको भी हीलिंग लेनी है डिस्टेंस, हम चंडीगढ़ बैठ के कहीं पे भी हीलिंग सेंड कर सकते हैं डिस्टेंस पे, फोटोग्राफ पे। हमारे पास फोटो और एड्रेस एक्यूरेट होना चाहिए और नाम और पता, फादर नेम, चाहे वो अमेरिका बैठा हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, हम अपने मेडिटेशन में जाकर डिस्टेंस सिंबल से अटैच करके उस पर्सन पे 100% पॉजिटिव एनर्जी सेंड कर सकते हैं प्रत्येक बीमारी पे, चाहे उसको कोई भी बीमारी हो। तो हमारा टॉपिक आज रेकी के बारे में था, आगे भी हम आपको कुछ ना कुछ नया सिंपल तरीके में बताते रहेंगे ताकि आपके आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए, और आप क्वेश्चन कोई पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, नीचे लिख के पूछ सकते हैं या हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। हमारा नंबर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे वीडियो में आप देख सकते हो। धन्यवाद, नमस्कार।